देश भर में कोरोना वायरस फैलाकर तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना मोहम्मद साद फरार है। पुलिस पिछले कई दिनों से साद को ढूंढ रही है, लेकिन साद का अभी तक कोई अता पता नहीं है। इस बीच पुलिस मरकज और साद से जुड़े बैंक खातों की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच तबलीगी मरकज जमात के बैंक ऑफ इंडिया के उस खाते के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रही है, जिसमें पैसे आने के 24 से 28 घंटे के भीतर करोड़ों रुपए गायब कर दिए जाते थे। ये पैसे ज्यादा ज्यादा 48 घंटे के भीतर दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। इधर करोड़ों की अवैध फंडिंग को देखते हुए साद के खिलाफ ईडी की टीम जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ईडी हवाला एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। तबलीगी मरकज के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद को क्राइम ब्रांच लगातार नोटिस भेज रही है, लेकिन वो ना तो पुलिस को इन नोटिसों का ठीक से जवाब दे रहा है और न ही जाँच में सहयोग करने के लिए तैयार है। आलम यह है कि क्राइम ब्रांच ने चौथा नोटिस 3 दिन पहले भेजा है, जिसका ठीक से जवाब नहीं मिलने पर अब पांचवा नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। हालांकि साद और मरकज को फंडिंग कौन करता है और इन पैसों की हेरा फेरी कैसे होती है, इस बारे में भी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सब कुछ साफ तब होगा जब साद पुलिस की गिरफ्त में होगा। फिलहाल पुलिस साद से जुड़े कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, लेकिन मौलाना साद अभी भी फरार है। राजनीतिक पार्टियां अक्सर अपनी विरोधी पार्टियों पर हमलावर रहती हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में भी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में चूक नहीं रही हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप को काफी अहम बताया जा रहा है। सरकार की ओर से लगातार लोगों से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील की जा रही है, लेकिन इस बीच इस ऐप को लेकर विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने अधूरे ज्ञान की बदौलत ऐप की प्राइवेसी पर सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बाद राहुल के चमचे भी ऐप को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी संबंधी चिंताएं जाहिर की। राहुल ने कहा कि टेक्नोलॉजी हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकता है, लेकिन भय का लाभ उठाकर लोगों को उनकी सहमति के बिना ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आरोग्य सेतु ऐप एक अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम है, जिसे प्राइवेट ऑपरेटर को आउटसोर्स किया गया है और कोई संस्थागत निगरानी नहीं है। इससे डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी हो रही हैं। वहीं कांग्रेस के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर इसके जरिए लोगों का निजी डेटा हासिल करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने इस ऐप को संदेहास्पद बताया है। हालांकि इस बीच सरकार ने प्राइवेसी को लेकर लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि ये ऐप लोगों को आसपास कोई कोरोना संक्रमित मरीज होने पर अलर्ट करने के लिए सबसे अच्छा ऐप है। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना संक्रमण को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत की है। अब तक इस ऐप को करोड़ों लोग डाउनलोड कर चुके हैं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उद्धव ठाकरे एक मुसीबत से निकलते ही दूसरे मुसीबत में फंस जाते हैं। इस बार सीएम उद्धव ठाकरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल नांदेड़ में फंसे श्रद्धालुओं पर अब शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने है। अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ में फंसे श्रद्धालुओं के कोरोना टेस्ट को लेकर हमसे झूठ बोला। उन्होंने हमसे कहा था कि हम लोगों का कोरोना टेस्ट करवा चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का टेस्ट नहीं हुआ था। यदि हमें पता होता तो हम जरूर टेस्ट करवाते। कैप्टन अमरिंदर ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मेरी बात हुई थी, उसके बाद ही मैंने 80 बस नांदेड़ हुजूर साहिब भेजी थी। हमें लगा था कि 1500 लोग होंगे, लेकिन जब बस पहुंची तो पता लगा कि वहां 3000 से ज्यादा लोग हैं और कई श्रद्धालु तो वापस पंजाब के लिए निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं का टेस्ट हो रहा है। हर दिन हम 1500 टेस्ट कर रहे हैं। इतने सारे लोगों का टेस्ट करने में वक्त लग रहा है और इसमें खर्च भी ज्यादा है। फिलहाल हमने श्रद्धालुओं को निगरानी में रखा है। पंजाब के सीएम के आरोप पर अभी उद्धव ठाकरे ने जवाब नहीं दिया है, लेकिन विरोधियों को एक बार फिर शिवसेना और महाराष्ट्र गठबंधन पर हमला करने का मौका मिल गया है।
यूपी सहित पूरे देश भर में कोरोना वायरस को फैलाने के लिए जमात और मरकज में शामिल लोगों को दोषी माना जा रहा है। जमात में शामिल लोग जहां जहां गए, कोरोना का खौफ वहां सबसे ज्यादा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जमात और जमात से जुड़े लोगों पर निशाना साधा है। उनकी माने तो अगर यूपी में सही वक्त पर यूपी सरकार एक्शन मोड में नहीं आई होती तो आज यूपी का हाल दूसरा होता और जमात के लोग तबाही मचा दी होती। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों ने बीमारी को छिपाया, लोग बीमारी को छिपाकर जगह जगह फैलाए, ये हम नहीं होने देंगे। तबलीगी जमात के इस रवैये के कारण संक्रमण बहुत तेजी से फैला। सीएम ने कहा कि आज हमारे पास लगभग 1600 एक्टिव केस हैं, इसमें 1000 से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं। इन्हें समय रहते प्रशासन को बताना चाहिए था, मगर ऐसा ना करके उन्होंने बीमारी को छिपाया और बयानबाजी की। इसके साथ ही लोगों में अंधविश्वास फैलाया। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने जमात के अलावा विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जो इस तरह के लोगों का बचाव कर रहे हैं वो देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तबलीगी जमात को लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी की चुप्पी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, किसी अपराधी को जाति, मत और मजहब के साथ न जोड़ा जाए। अपराध किया है तो कानून की धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इस तरह के लोगों का बचाव कर रहे हैं वो देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर आमने सामने है। इस बार मामला अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र यानी IFSC से जुड़ा हुआ है। मोदी सरकार ने IFSC को मुंबई के बजाय गांधीनगर में बनाने का फैसला किया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना गठबंधन को केंद्र सरकार का ये कदम रास नहीं आ रहा है और वो इसे मुंबई के साथ धोखा बता रहे हैं। कांग्रेस NCP ने जहां इसके लिए बीजेपी को घेरा, वहीं बीजेपी ने इसका पूरा दोष कांग्रेस NCP पर मढ़ा है। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने आरोप लगाया है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का महत्व कम करने के लिए मोदी सरकार ने IFSC को मुंबई से गांधीनगर स्थानांतरित किया है। पवार ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं कि वो एक बार अपने फैसले पर फिर से विचार करें, देश की आर्थिक राजधानी का दर्जा मुंबई को बनाए रखें। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले ने कहा कि अगर IFSC मुंबई में नहीं बना तो मुंबई से दिल्ली को मिलने वाले टैक्स कलेक्शन को रोक दिया जाएगा। मुंबई देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, इसीलिए IFSC गुजरात के बजाय मुंबई में ही बनाया जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सामंत ने फैसले की आलोचना की, कहा कि ये महाराष्ट्र के साथ सरासर धोखा है। इस मसले पर बीजेपी ने कांग्रेस NCP को घेरा। बीजेपी ने कहा कि पहले सत्ताधारी दल अपने गिरबान में झांक कर देखे। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब उद्धव ठाकरे की गठबंधन सरकार ने केंद्र के फैसले पर नाराजगी जाहिर की हो। इससे पहले भी कई मामलों पर दोनों दल आमने सामने हैं। देखना होगा IFSC पर महाराष्ट्र सरकार के रुख के बाद केंद्र सरकार क्या फैसला करती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया नाता तोड़ चुके हैं। ऐसा कर प्रदेश की सियासत में सिंधिया ने अपने कद का एहसास कांग्रेस के नेताओं को दिखा दिया, लेकिन लगता है कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को माफ करने के मूड में तो कतई नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया की बगावत पर निशाना साधते हुए एक गाने की रिकॉर्डिंग करवाई है, जिसमें उनके पार्टी को धोखा देने की बात सुनाई जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस रिकॉर्डेड गाने को प्रदेश के 25 संसदीय क्षेत्रों में सुनाया जा रहा है, जिससे लोगों को ये याद दिलाया जा सके कि उन्होंने कांग्रेस के साथ क्या किया। लगता है कांग्रेस को सिंधिया का इस तरह जाना और सत्ता गंवाने का दर्द बार बार सामने आता दिख रहा है। दरअसल प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी का खामियाजा कमलनाथ सरकार को सत्ता गंवा कर भोगना पड़ा। इस गाने में कहा गया है कि इस तरह का धोखा देने वाला महाराज नहीं कहा जा सकता, उन्होंने खिलाने वाले हाथ को ही काट दिया। साथ ही कहा गया है कि जो लोग साथ छोड़ कर गए हैं वो किसी के भी दोस्त नहीं है। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तैयारी कर रहे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस गाने का उद्देश्य सिंधिया की छवि पर
प्रहार करना है। हालांकि कांग्रेस का ये गाना सामने नहीं आया है, लेकिन अगर कांग्रेस इस तरह सिंधिया पर निशाना साधती है तो एमपी में एक बार फिर राजनीतिक संग्राम देखने को मिल सकता है और जिसका जवाब सिंधिया अपने अंदाज में देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।